अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, जिसके बाद राम लल्ला मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी करीब से नजर बनाए हुए हैं। लाखों श्रद्धालु अलग अलग प्रकार की दान दक्षिणा राम मंदिर को दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक अनोखा दान पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आया है। दरअसल प्रभु श्री राम को पाकिस्तान के सिंध से आई सिंधी पोशाक अजरक अर्पित की जाएगी। शिव शांति आश्रम के संत साई हरीश लाल ने शिवालय मंदिर के महंत गणेश दास को यह पोशाक अर्पित की, जिसे 2 दिसंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। इस वस्त्र की खूबी है कि यह सर्दियों में गर्म रहता है, जिसकी जानकारी खुद महंत गणेश दास ने दी। ये राम लला को अर्पित करने के लिए हमारे सिंध प्रांत पाकिस्तान से श्री रेहड़की साहब से ये वस्त्र आया है, जिसको हम लोग आम तौर सिंधी भाषा में अजरक कहते हैं। ये वस्त्र सिंधी समाज के लिए सम्मान का प्रतीक है और इसका प्रयोग सिंधी समाज जो है काफ़ी समय से करते आ रहा है। जब से सिंधी समाज का अस्तित्व है तब से इस वस्त्र का अस्तित्व है। 500 साल बाद की तपस्या के बाद आज प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। सिंधी समाज समय समय पर अपना समर्पण करता आया है, चाहे चांदी की ईंटें हों, चाहे अनेकों नदियों का जल हो, चाहे अनेकों मंदिरों की मिट्टी हो। तो इस समय अयोध्या का सिंधी समाज ये वस्त्र श्री राम लला को 2 दिसंबर को अर्पित करने जा रहा है, जो सिंध समाज के द्वारा सिंध प्रांत के पाकिस्तान के श्री रेहड़की साहब से आया है। ये एक अच्छी जानकारी मैं आपको दे दूँ, कुछ समय पहले हमारे अशोक जी आए थे तो उनसे ये विचार रखा गया कि जो सिंध का पारंपरिक वस्त्र है उसको यहाँ पे किसी भी प्रकार से मंगवा कर रामलला को अर्पण किया जाए। तो उन्होंने हम लोग के संत बाबा आसुदा राम साहब शिव शांति आश्रम साहब में वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ के पूज्य साईं हरीश लाल जी के माध्यम से यह अयोध्या की पावन धरती पे आया। अब 2 दिसंबर को ही पूज्य साईं मोहन लाल जी, जो हम लोग के परम गुरुदेव श्री चांडू राम साहब जी के सुपुत्र हैं और हरीश लाल जी के बड़े भाई हैं, उनकी उपस्थिति में ये दिव्य वस्त्र रामलला को समर्पित किया जाएगा। ये वस्त्र एक तो सिंधियों के सम्मान का प्रतीक है, उसके बाद एक इसकी ये खासियत है कि आप ये जितना भी आपको देखने में हल्का लगेगा उतना ही ये गर्म है, इसीलिए इसको शीतकालीन वस्त्र कहा जाता है और ज़्यादातर इसको सर्दियों में ही उपयोग में लाया जाता है। और जितने भी हम लोग के चाहे प्रभु झूलेलाल जी हों या और भी हम लोग के जितने भी इष्ट देव हैं, तो सब में जो है इसी वस्त्र के इसका उपयोग किया जाता है उनकी पोशाक बनाने में। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को पीएम मोदी सहित हजारों संतों और लाखों भक्तों की मौजूदगी में राम लल्ला गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर में राम लल्ला की स्थापना से पहले से ही भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है।